अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको ज़रा एक बेसिक सी चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। सिंपल ऑमलेट है ये, और सोचा चलिए एक रेसिपी में ये भी ऐड कर लिया जाए, बिकॉज आप सब जानते हैं सुबह का नाश्ता कितना ज़रूरी है। और अब थोड़ी सी प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद क्या करना है इसके लिए। हमारी प्याज हो चुकी है ऑलमोस्ट, अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ टमाटर। तो ये टमाटर चले गए, टमाटर भी एक मीडियम साइज का छोटा सा था, नॉट वेरी बिग वन। और ये टमाटर इसके अंदर ऐड हो गया, हल्का सा पका के इसको। और साथ में ही मैंने एक, और मुझे बहुत पसंद है कैप्सिकम, तो मैंने कैप्सिकम इसके अंदर ऐड की। आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ और भी हेल्दी वेजिटेबल्स, मशरूम्स एंड वॉट एवर, एनीथिंग यू लाइक। तो जस्ट मैंने कैप्सिकम ऐड किया इसके अंदर, हल्का सा इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना बिकॉज क्रंची होना चाहिए थोड़ा सा। कुछ लोग बिल्कुल इनको गला लेते हैं बहुत। मीन ऑयल जब ये चीज़ें पक रही हैं तो इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालूंगी, आधा चम्मच जो है ना इसके अंदर सॉल्ट डाल दूंगी। अप टू टेस्ट, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूंगी, एंड दैट्स इट। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा एक नाश्ता जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। और साथ में ही अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये एग्स, तो 3 अदद मैंने लिए हैं अंडे फ्रेश। और इसकी जो हीट मैंने रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ज़्यादा हीट नहीं रखनी है इसकी, हल्की सी मीडियम जो है वो हीट पे हम इसको पकाएंगे। मैंने इसे ब्रेक कर लिया लाइट सा, एंड अब ये बेस इसकी पक रही है। वगैरह जो है वो सारी बिल्कुल क्रंची सी आएंगी, बहुत अच्छी बनेगी। मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और मैं इसे विशाउट करती हूँ जी। तो आप ये देख सकते हैं सिंपल ऑमलेट जो है रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट के लिए। और आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स वेरी इजी, बहुत बेसिक रेसिपी, सिंपल है बिल्कुल ही। और अब अल्लाह हाफिज़।